पंचम वेद महाभारत में भारत का प्राचीन इतिहास माना जाता है। जी हाँ, ये ग्रंथ हमारे देश के मन प्राण में बसा हुआ है। जी हाँ, भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत का इतिहास वर्णित है। बता दें, अपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्र से हमारे देश के जनजीवन को ये प्रभावित करता है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्राओं और विडंबनाओं का वर्णन किया गया है। बता दें आप सभी को, प्रत्येक हिंदू के घर में महाभारत का होना आवश्यक है। लेकिन आज अपने इस खास रिपोर्ट में आप सभी को बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके से महाभारत में कई रहस्य भरे हुए हैं। महाभारत युद्ध में 8 और 18 संख्या का बहुत बड़ा रोल देखने को मिला है। जी हाँ, तो चलिए जानते हैं क्या है 8 और 18 अंक का महाभारत में बड़ा रहस्य। श्री कृष्ण से जुड़ा 8 अंक का रहस्य। जी हाँ, 8 को शनि का अंक माना जाता है। इस अंक का स्वामी ग्रह शनि है। जी हाँ, कुछ शास्त्री 8 अंक को अशुभ मानते हैं क्योंकि ये शनि से ही जुड़ा हुआ है। तो वहीं 8 अंक के व्यक्ति को हर चीज पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर वो कुछ हासिल कर पाता है। जी हाँ, ये अंक शनि का है और शनि व्यक्ति को तपाकर ही फल प्रदान करते हैं। जी हाँ, श्री कृष्ण के जीवन में 8 अंक का अजब संयोग है। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है ये अजीबो गरीब संयोग। भगवान विष्णु ने 8वें मनु वैवस्वत के मनवंतर के 28वें द्वापर में 8वें अवतार श्री कृष्ण के रूप में देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में जहां मथुरा के कारागर में जन्म लिया था। तो वहीं उनका जन्म भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकल गए और जब 8वां उपस्थित हुआ तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लग्न में हुआ था। जी हाँ, उस लग्न पर केवल शुभ ग्रहों की ही दृष्टि थी। बता दें, रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में ईसा से 3000 लगभग वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था। ज्योतिषों के अनुसार उस समय शून्यकाल रात 12 बजे था। जी हाँ, भगवान कृष्ण वासुदेव के 8वें पुत्र भी थे। उनकी 8 सखियां, 8 पत्नियां, 8 मित्र और 8 शत्रु भी थे। जी हाँ गुरु, इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण के जीवन में 8 अंक का बेहद ही ज्यादा बड़ा महत्व है। अब आपको बताते हैं महाभारत से आखिरकार किस तरीके से खास रहस्य जुड़ा है 18 अंक का। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान भी दिया। जी हाँ, तो वहीं 18 दिन तक ही महाभारत का युद्ध भी चला था। इतना ही नहीं, गीता में भी 18 अध्याय ही हम देखने को पाते हैं। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिसमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। जी हाँ, इस युद्ध में प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे, जिनके नाम है कृष्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, युयुत्सु, कात्यकी, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव आदि। दुर्योधन भी इस युद्ध की समाप्ति के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। जहां युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे, जिनके नाम थे धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और विदुर। जी हाँ, तो कुछ इस तरीके से जुड़ा है 18 और 8 अंक का रहस्य, जो कि आप सभी ने जाना। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से इंदु की रिपोर्ट।